पहचाने अब खुद से देखो देखो प्लीज यहाँ से जाओ, ये सब गलत है, ये ठीक नहीं होगा। क्या हुआ ते, तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? जंगो प्लीज मेरी बात को समझो और प्लीज यहाँ से जाओ। देखो तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और कुछ दिनों बाद शादी भी हो जाएगी और मेरी भी, तो प्लीज दूर रहो। ते तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे दूर नहीं रह पाता हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू। और तुम शादी की बात कर रही हो, तुम जानती हो वो काई हमेशा से हमें अलग करना चाहता था और जिसके लिए वो कामयाब भी हो गया। हम दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन ते मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी भी कम नहीं हुआ, वो हमेशा बढ़ता ही गया है। देखो जंगो कल हमें निकलना है डियर, तो प्लीज प्लीज तुम जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बार बार मुझे जाने के लिए बोल रही हो। मुझे कुछ नहीं सुनना जंगो, प्लीज अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। ते बस बहुत हुआ, अब तुम मुझे कितना भी कहोगे ना जाने के लिए, मैं नहीं जाने वाला। जब तक कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना नहीं बना लेता, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि कि हमें कोई ना अलग कर सके। पिछली बार सब लोगों ने हमें इसीलिए अलग कर दिया था ना, जो हम दोनों ने एक दूसरे को छुआ भी नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा ते, जब तक कि मैं तुम्हें अपना नहीं बना लूंगा मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, चाहे वो जबरदस्ती हो। चंगो क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, पागल हो गया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने क्या बोला, I love you ते, I love you so much। चंगो छोड़ो मुझे, please 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 छोड़ो, क्या हो गया तुम्हें, please छोड़ो मुझे। चंगो बहुत ही ज़्यादा drunk था और गुस्से में भी रहा। ते उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती है। So चंगो वही करता है जो उसका मन करता है और वो ते के साथ वो सब कुछ कर देता है। आप जो इस तरह से तड़पाएंगे ऐसे आलम में पागल जाएंगे, आप जो इस तरह से तड़पाएंगे ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। वो मिल गया जिसकी हमें बदला लेने का। नाइस, बहुत अच्छा तरीका था और सच में तुम कामयाब हो।
गए, मैं टूट गई, पूरी तरीके से टूट गई। मुझे कभी भी नहीं लगा था जिनको कि कभी भी तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, लेकिन तुमने ऐसा किया, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। तुम्हें छोड़ने का डिसीजन मेरा बिल्कुल सही था, क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम बहुत बदल चुके हो। इनफैक्ट तुम मेरे जंग को खो ही नहीं, आखिर तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया जंग को, तुमने दिखा दिया कि तुम कितनी घटिया इंसान हो जंग को। आई हेट यू। बस थे बस, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर मैं उस वक्त ड्रंक था, तुम चाहती तो मुझे रोक लेती, तुमने क्यों नहीं रोका मुझे? You know what? मुझे तो लगता है कि शायद तुम भी वही चाहती थी कि ये सब हो जाए, ताकि तुम हमेशा के लिए मुझसे चिपक सको, है ना? बस बहुत हुआ जंकू, कितना गिरोगे तुम, कितना गिरोगे हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे लगी थी? अगर मुझे ऐसा करना होता ना, तो मैं तुम्हें कभी छोड़ती नहीं। और रही बात कल रात की, तो तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, और तुम तो जानते हो ना कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकती। फैक्ट मैंने बहुत रोकने की कोशिश की थी तुम्हें, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ के आगे मेरा स्ट्रेंथ बेकार है, ये तुम भी जानते हो। मुझे लगा था कल रात के लिए तुम्हें रिग्रेट फील होगा, तुम शायद मुझे सॉरी बोलो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। मुझे सब कुछ नहीं पता, जो होना था वो हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते, एंड आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। मैं इसके लिए तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। I'm sorry आने, बट ये स्टोरी ऐसी है, इसमें तेरे को भी हर्ट होना पड़ेगा और बाद में जंको को भी, तो प्लीज डोंट हेट एंड डोंट वरी आर्मी, ये है तो तेरे को क्लब स्टोरी ना, तो लास्ट में तो तेरे को फॉरएवर ही होंगे, चल देख लेना, दोनों एक ही हो जाएंगे। एंड कुछ आर्मी बोल रहे हैं कि जंको तेरे साथ बहुत बुरा करता है, तो काई तेरे के लिए परफेक्ट है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा कि काई कैसा है। ओके, तो आप लोग प्लीज शांति से स्टोरी देखिए। मिस जिमिन जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें निकलना भी है। अरे सर आप भी ना, मैं तो कब का रेडी हो चुकी, मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो 4 घंटे लगाती हैं, मैं तो रेडी हो चुकी थी। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, ओके तो फिर चलो। उसके बाद जिमिन और तेकुक दोनों ही प्लेन में बैठ जाते हैं। पूरे सफर में ते ने जंकू की तरफ देखा भी नहीं हुआ था, और ऐसे ही वो लोग घर भी पहुँच जाते हैं। हाँ फाइनली हम घर वापस आ ही गए, चाहे जहाँ जाओ सुकून अपने घर में मिल रहा है ना। दीदी क्या हुआ आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही हो? वो एक्चुअली मैं सफर से बहुत थक गई हूँ, सो इसीलिए थकावट महसूस हो रही है, रेस्ट कर लूंगी उसके बाद ठीक हो जाएगा, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ओके दीदी आप जाकर अपने रूम में फ्रेश होकर सो जाइए, उसके बाद जब आप उठेंगी तो मैं आपको डिनर लगा दूंगी, ओके जाकर रेस्ट कर लीजिएगा, ठीक हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच जिमिन। ओ दीदी आप ही ना, आपको इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत थी, मैं तो आपकी सिस्टर हूँ ना, अगर मैंने सब सुनूंगी तो कौन समझेगा, आप जाकर आराम कीजिए। ठीक है मैं जाती हूँ, इतना बोल करते अपने रूम में जाती है और फ्रेश होकर सो जाती है। ओ गॉड अब इस वक्त कौन आ गया, दीदी सो रही है, ये कोई भी हो दीदी को जगा देगा, मुझे देखना पड़ेगा। इतना बोलकर जिमिन जाती है और डोर ओपन करती है, तो देखती है कि वो काय था। हाय साली साहबा क्या कर रही हो? ओ लंच बना रही थी, आई एम सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया क्या? हाँ डिस्टर्ब कर दिया। ओ उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं फिर से बना लेना। और ते कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। देखो दीदी सो रही है, एक्चुअली वो बहुत थकी हुई है, सो प्लीज तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या सो रही है और वो भी इस वक्त? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं वेट करता हूँ, तुम जाकर अपना लंच बनाओ, मैं यहीं पर वेट करूंगा। पर दीदी सो रही है, तुम यहाँ रहकर भी क्या करोगे, जाओ ना। अरे मेरी क्यूट सी साली साहिबा तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं यहीं पर बैठकर वेट करूंगा। ओके फाइन तो फिर सड़ो यहीं पर, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। उसके बाद जिमिन दोबारा से कुकिंग करने लगती है और काइल लिविंग हॉल में बैठकर टे का वेट करने लगता है। जंकू बेटा फाइनली तुम घर वापस आ ही गए, ओके तो अब तुम्हारा सारा काम खत्म हो गया ना? हाँ मॉम मेरा लगभग सारा काम खत्म हो चुका है और मेरी वो मीटिंग भी सक्सेसफुल रही, बहुत अच्छी बात है बेटा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मॉम। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, देखो तुम्हारा सारा काम भी खत्म हो गया और तुम्हारी वो मीटिंग भी सक्सेसफुल रही, और तुम्हें तुम्हारा वादा तो याद ही होगा ना, भूले तो नहीं हो ना? हाँ मॉम मुझे अपना प्रॉमिस याद है, मैं नहीं भूला। ओके ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस याद है, तो फिर तुम्हें पता है मैंने आज शाम को आई मीन डिनर पे लीजा के डैड को बुलाया है ये शादी की तारीख फिक्स करने के लिए। क्या पर क्यों, मेरा मतलब इतनी जल्दी? अरे बेटा जल्दी कहाँ है, 1 मंथ होने वाले हैं, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी मीटिंग हो जाएगी उसके बाद तुम लीजा से शादी करोगे, तो बस तुम्हारी मीटिंग हो गई ना, तो अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला, मैं शादी की डेट फिक्स कर रही हूँ तो कर रही हूँ, और इससे क्या फर्क पड़ता है, हाँ तुम्हें शादी तो करनी ही है, तो हम डेट तो फिक्स कर ही सकते हैं, उसके बाद तुम्हारी शादी भी होगी, तो बस तुम रेडी रहना, लीजा के डैड आएंगे और हम सब साथ में मिलकर ही बैठ कर बात करेंगे। ओके मॉम जैसा आपकी मर्जी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ।
तो मैं सिमिन को मोहाले जाने का मुझे मेरा फायदा मिल ही गया। वरना मैं चीज नहीं करने वाला और अभी डेट भी फिक्स नहीं करूंगा।